बेटा आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिजमिक है। आइसोमेरिजमिन ईथर। आइसोमेरिजमिन ईथर आज का टॉपिक है हमारा। आपको जनरल टाइप का आइसोमर्स के आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट टाइप हम आइसोमर्स की यहां पे कर रहे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स तो आपको पता होगा फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है, जिन कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शन ग्रुप है वो अलग अलग हो, तो फंक्शनल आइसोमर्स होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। और जो एल्कोहल एंड ईथर है, एल्कोहल एंड ईथर, बोथ ऑफ दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। एल्कोहल और ईथर दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अब कैसे बेटा वो आप देखिए। तो मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया C2H6O। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इसका ये हुआ CnH2n+2O। इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल और ईथर। ठीक है, CnH2n+2O। एल्कोहल के केस में आप इसको ये भी लिख सकते हो CnH2n+1OH, बात वही है, बट कॉमन हम ये जनरल फॉर्मूला लिखेंगे एल्कोहल एंड ईथर के लिए। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे C2H6O है, तो यहां से बेटा एल्कोहल भी बन सकता है और ईथर भी बन सकता है। आप कुछ चेक कीजिए, अगर मैं एल्कोहल बनाती हूँ तो CH3CH2OH, ये एल्कोहल यहां से प्रिपेयर हुआ इथेनॉल, और अब इससे ईथर भी प्रिपेयर हो सकता है ROR। टोटल मेरे पास दो कार्बन है CH3OCH3। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर या इसका IUPAC नेम क्या हुआ, मिथोक्सी मिथेन, मिथोक्सी मिथेन। तो डाई मिथाइल ईथर या मिथोक्सी मिथेन। तो यहां पर आप खुद देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन आपके जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है, तो इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, नोट डाउन बेटा कर लिया होगा आपने। तो अब इसके बाद सेकेंड टाइप करते हैं आइसोमर्स की। सेकेंड टाइप है, ये रब कर दो बेटा, हो गया। चलिए अब सेकेंड टाइप देखिए इसके बाद। अब सेकेंड टाइप का आइसोमर से आपका मेटामेरिज्म, हेडिंग डाल लें आप लोग, सेकेंड टाइप का आइसोमर है आपका मेटामेरिज्म। ठीक है, अब मेटामर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामेरिज्म वो आप समझे। तो सेम होगा टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मेटामेरिज्म में भी सेम क्या रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। बेटा मेटामर्स जो इथर के केस में बनते हैं, मेटामर्स क्या होते हैं, जहां पर डिफरेंट नंबर में एल्काइल ग्रुप होते हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द फंक्शनल ग्रुप।
अब ये आपको पता है इथर होता है आर ओ आर, तो यहाँ मेन फंक्शन ग्रुप ओ है, ये है ना, ठीक है। अब अगर इसके साइडों में आर ग्रुप अलग अलग हो तो उनको हम आपस में बोलते हैं मेटामर्स, और वो फिनोमिना आपका कहलाएगा मेटामेरिज्म। तो अब आप एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया C4H10O, और आपको ये कहा जाए कि इसके आइसोमर्स बनाओ बेटा C4H10O के, तो इसके आइसोमर्स कैसे बनेंगे? आप देखिए बीच में तो क्या आएगा, O। अब टोटल आपके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो आपको 4 कार्बन को दो आर ग्रुप में बांटना है, तो आप 2-2 में बांट सकते हो। तो मैंने यहां भी कर दिया C2H5, यहां भी कर दिया C2H5, इसका नाम डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर। अब बेटा इस 4 कार्बन को बांटने का एक और तरीका है, मैं एक साइड 1 कार्बन करूं और एक साइड 3 कार्बन करूं। ये देखिए आप, टोटल तो अभी 4 ही कार्बन है, यहाँ पे दोनों साइड 2-2 कार्बन थे, इस केस में क्या है, इस साइड 1 कार्बन और इस साइड 3 कार्बन है, इसका नाम क्या हुआ, एक साइड मिथाइल है CH3 और एक साइड क्या है, प्रोपाइल है C3H7, इसका नाम हुआ मिथाइल प्रोपाइल इथर, मिथाइल प्रोपाइल इथर। अब आप बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर आप इन दोनों कंपाउंड को कंपेयर करके देखते हो तो आपको ये समझ में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे सेम है, दोनों में ही इथर प्रेजेंट है, तो डिफरेंस क्या है, दोनों में आर ग्रुप का डिफरेंस है। यहाँ पर दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, इथाइल, सेम आर ग्रुप है, लेकिन इसमें दोनों साइड आर ग्रुप अलग अलग है, एक साइड आपका मिथाइल है, एक साइड आपका प्रोपाइल है, तो ये जो रिलेशनशिप आपकी होती है दैट इज कॉल्ड मेटामर्स, ठीक है। तो टॉपिक पे काम कर रहे हैं आइसोमेरिज्म का, दो टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद लास्ट आपका बचता है चेन आइसोमेरिज्म, ये आप लोग नोट डाउन कर ले, फिर हम करेंगे यहाँ पे चेन आइसोमर्स, वो आप लोगों को आते भी है, ठीक है। तो करें बेटा आगे, अब अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लें, थर्ड टाइप का आइसोमर हमारा चेन आइसोमेरिज्म। ये आप सभी को पता है चेन आइसोमर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन ऑफ एल्काइल ग्रुप या कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। क्या कहेंगे बेटा चेन आइसोमर्स के बारे में, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम अराउंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैं एक कंपाउंड लिख रही हूं, एक ये देखिए बेटा मैंने ऐसे कंपाउंड लिखा, ठीक है, इधर है CH3, यहाँ पे है C4H9, यहाँ CH3 है, यहाँ पे C4H9 है, ओके। तो अब आपको बेटा ये समझ में आ रहा होगा कि इधर कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, और यहाँ पे 1 कार्बन की है। अब आप देखिए मैंने इसको यू लिख लिया CH3O, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, टोटल तो यहाँ भी C4 था और H9 है, टोटल यहाँ भी C4 है, 1, 2, 3, 4, H यहाँ भी 9 है, दोनों में C4 है, H9 है, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ तो स्ट्रेट चेन में है, ये तो N ब्यूटाइल है, लेकिन ये टर्मिनल कार्बन के नेक्स्ट पे क्या लग रहा है, मिथाइल, तो ये आइसोप्रोपाइल है। तो आप देख पा रहे हो अलग अलग कार्बन एटम की चेन है, यहाँ पे सरफेस पे 4 कार्बन है और यहाँ पे सरफेस पे 3 कार्बन है, तो इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स बोलते हैं। अब जैसे इसका हमें नाम, तो इसका नाम क्या बनेगा, एक साइड तो क्या है मिथाइल और एक साइड क्या है एन ब्यूटाइल। आपको पता है ना जब स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम 3 से ज्यादा होते हैं तो हम उसको एन लिखते हैं, तो मिथाइल
एन ब्यूटाइल, और फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे इथर, तो इसका नाम क्या बना मिथाइल एन ब्यूटाइल इथर, और इस कंपाउंड का नाम आप लिखें एक तरफ मिथाइल है, अब ये आइसो है और टोटल कार्बन यहाँ पे चार है, तो क्या बनेगा आइसो ब्यूटाइल मिथाइल इथर, आइसो ब्यूटाइल मिथाइल इथर। तो ये जो आपकी रिलेशनशिप होती है कि अलग अलग चेन है कार्बन एटम के एट द सरफेस, उसको हम बोलते हैं बेटा चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये इथर में तीन तरह के आइसोमर आपके एग्जिस्ट करते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स एंड मेटामर्स, तीनों हम डिस्कस यहाँ कर चुके हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथर। हेडिंग डाल लें आप लोग, ये नोट डाउन हो चुका है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथर, देखिए ध्यान से बेटा, चाहे आप कोई भी कंपाउंड पढ़ लें, हर एक फंक्शन ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपको सेम पढ़नी है। आप जो भी फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे उसकी प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल टेस्ट, तो सिलेबस बेटा ऑर्गेनिक में हर चैप्टर का सेम ही होता है। तो अब हम यहाँ पे ईथर की प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस किस मेथड से मिथर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, फर्स्ट मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बेटा ईथर को प्रिपेयर करने का पहला मेथड क्या है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब आप सबको पता है डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, डी का मीनिंग रिमूवल, किसका रिमूवल, वॉटर का, तो डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वॉटर। अब वॉटर का रिमूवल कब होगा एल्कोहल में से, प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रोटिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या हमने ले लिया H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H2SO4 ले लिया या H3PO4 ले लिया, फॉस्फोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी क्या होते हैं बेटा प्रोटिक एसिड होते हैं ना। प्रोटिक एसिड का मीनिंग क्या है कि ये सभी अपना प्रोटोन डोनेट करते हैं, All of these donate their proton, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्रोटिक एसिड। ठीक है, तो हमने प्रोटिक एसिड लेना है, कोई भी एल्कोहल में से वॉटर का रिमूवल होगा और उससे आपका प्रिपेयर होगा एल्कोहल भी एंड ईथर भी एट द वेरिएबल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो बेटा अब हम यहाँ पे दो रिएक्शन करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए, पहली देखो रिएक्शन ये है, मैंने लिया CH3CH2OH, ठीक है, और दो अलग अलग कंडीशन मैंने यहाँ पे ली, टेम्परेचर सेम, सॉरी कैटलिस्ट यहाँ पे सेम है H2SO4, लेकिन दोनों केस में टेम्परेचर अलग अलग है, यहाँ टेम्परेचर है 413 केल्विन, यहाँ पर टेम्परेचर है 443 केल्विन। आप देख पा रहे हो दोनों में मैंने अल्कोहल लिया है बट मेरी टेम्परेचर की रेंज अलग अलग है, एक में है 413 और एक में है 443 केल्विन। तो बेटा अगर आपके टेम्परेचर की यहाँ पे वेरिएशन है तो प्रोडक्ट में भी वेरिएशन आएगी, प्रोडक्ट भी आपके अलग अलग बनेंगे। तो अब वो वेरिएशन क्या आएगी वो आप लोग देखिए, अगर आपका टेम्परेचर होगा 413 केल्विन तो यहाँ पर ईथर की फॉर्मेशन होगी, ये आंसर आएगा C2H5O C2H5। अभी समझाऊंगी कैसे आया। अब बेटा अगर आपका टेम्परेचर है 413 केल्विन तो जो ये आपकी अल्कोहल है CH3CH2OH इसके यहाँ पे 2 मोल हो जाएंगे, ठीक है, जब टेम्परेचर आपका होगा 413 केल्विन तो इस अल्कोहल के यहाँ पे 2 मोल हो जाएंगे, एक का H और एक का OH निकल जाएगा और किसकी प्रिपरेशन होगी, ईथर की प्रिपरेशन होगी। ठीक है बेटा, समझ में आई बात आपको, 2 मोल होंगे अल्कोहल के तो ईथर की प्रिपरेशन होगी, लेकिन जब आपका टेम्परेचर होगा 443 केल्विन उस केस में एक ही अल्कोहल का मोल यूज होगा और 1 मोल यूज होने पर इस कार्बन का तो क्या रिमूव होगा OH और इसे नेक्स्ट कार्बन का क्या निकलेगा एक H, तो क्या बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस में क्या निकल गया, दोनों ही केस में क्या निकला H2O निकला, बट जब ईथर बनेगा तो एल्कोहल के 2 मोल हो जाएंगे,
H2O निकल के ईथर प्रिपेयर हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है? डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, और इसका नाम क्या है? इथर ई। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर रेंज वेरिएशन होते ही आपका जो प्रोडक्ट है वो भी वेरिएशन शो कर रहा है। 413 केल्विन की प्रिपरेशन होगी ईथर की, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर है 443 केल्विन तो एल्कीन की प्रिपरेशन होगी। अब बेटा इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है, आप लोगों को ध्यान हो तो हमने दो मैकेनिज्म किए थे एल्कोहल चैप्टर में, हाइड्रेशन का एंड डिहाइड्रेशन का, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन का। तो ये मैकेनिज्म तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला बेटा एल्कीन की प्रिपरेशन तो पहले ही हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बेटा डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट मेथड है ये, इसका मैकेनिज्म बचता है। बेटा एक बात हो, परसों आप लोगों का टेस्ट होता पता आपको ऑनलाइन, तो परसों आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है। ठीक है, अभी से बच्चे क्लास में है, सबको बता रही हूँ मैं, परसों आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। सब्जेक्टिव टेस्ट होगा एल्कोहल एंड फिनोल का, इथर का छोड़ देंगे, एल्कोहल एंड फिनोल का चैप्टर आप लोग आज और कल में तैयार करें, जो भी डाउट हो मुझसे पूछे, फिर परसों आप लोग टेस्ट होगा इस चैप्टर से। ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी कवर होगी प्लस नोटबुक पूरी आपको अच्छे से करनी है। तो अब आप देखिए इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर, तो ये मैं रद्द कर देती हूँ, फिर आगे करते हैं इसके बाद। अब हम एल्कोहल से ईथर प्रिपेयर करने के लिए मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर सब तैयारी कर लेना अच्छे से। अब आप लोग हेडिंग डाल लें, मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, किस तरह से ईथर प्रिपेयर होता है हमें उसका मैकेनिज्म करना है। तो सबसे पहले आप देखिए बेटा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने यहाँ पे लिया इथेनॉल CH3CH2OH और ये O पे क्या पड़ा हुआ है? लोन पे है। ठीक है, अब चाहे हाइड्रेशन हो चाहे डिहाइड्रेशन हो, होगा तो प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो हमने ये इथेनॉल लिया प्लस मैंने यहाँ पे ले लिया H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए बेटा, जो ये O एटम पे दो लोन पेयर है, ऑक्सीजन एटम अपना एक लोन पेयर किसको दे देगा? एच एटम को दे देगा, क्योंकि एच एटम यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भैया, एच एटम यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो कर रहा है ना, तो ओ ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? एच प्लस आयन को, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लेविस बेस है, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लेविस एसिड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या बनेगा बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे बनेगा क्या आप खुद कर सकते हो। सबसे पहले हमारा है CH3, फिर है CH2OH, पहले O के पास एक ही H थी, अब O अपना लोन पेयर इस H को भी दे रहा है, तो O पे अब ये H भी आके जुड़ गई, अब O एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो O एटम पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। भाई O एटम पे चार्ज कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो जो ये कंपाउंड बना इसका नाम होगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल होगा, कि भाई इस एल्कोहल पे प्रोटोन आ गया H प्लस आयन, तो ये आपकी प्रिपेयर होगी प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो मैकेनिज्म की पहली स्टेप समझ में आई आपको, बड़ा आसान है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो होते ही है, उसने लोन पेयर दे दिया H प्लस आयन को, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी प्रोटोनेटेड एल्कोहल की। ठीक है, अब इसके बाद बेटा सेकेंड स्टेप आप देखिए अब क्या होगा, अब जो ये आपकी प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनी है ना, ये ईथर के दूसरे मोल के साथ रिएक्ट करेगी। आपको पता है जब ईथर बनता है तो हम दो मोल लेते हैं अल्कोहल के, फिलहाल तो एक ही मोल यूज हुआ है, तो अब मैं यहाँ अल्कोहल का दूसरा मोल ले लेती हूँ CH3CH2OH प्लस में जो ये बना है वो लिख लेती हूँ CH3CH2OH2 पॉजिटिव। तो अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इस O का पॉजिटिव चार्ज खत्म करवाना है। ठीक है, कैसे होगा आप देखिए, इस O पे बेटा ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया अल्कोहल का,
पहला तो यहाँ यूज हो गया, सेकंड मोल एल्कोहल का। तो अब क्या होगा, जो इस ओ पे लोन पेयर है तो ओ अपना एक लोन पेयर किसको दे देगा, इस कार्बन को, ठीक है। तो इस कार्बन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर दिया, ओ के पास, ठीक है। तो क्या बना बेटा, आप देखिए सेकंड स्टेप में यहां से लिख रही हूं CH3 CH2 OH। इस ओ ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इस कार्बन को, CH2। ये बॉन्ड तो टूट ही चुका है, CH2 के आगे क्या जुड़ रहा है, CH3। लेकिन इस C पे चार्ज कैसा आएगा, सॉरी बेटा इस O पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्यों, O ने अपना क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, और माइनस यहां से क्या हो गया, H2O, H2O निकल गया ना बेटा। और आप देखिए ये बड़ा, ठीक है, क्या किया मैंने, जो ये दूसरा मॉलिक्यूल है एल्कोहल में का, इसके O के लोन पेयर ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल वाले कार्बन को। तो ये कार्बन यहाँ पे आके जुड़ गया और माइनस यहाँ से क्या हो गया, H2O हो गया, ठीक है। तो अब जो ये कंपाउंड बना, इसका नाम क्या है, तो आपको ये तो पता है C2H5O, C2H5 क्या होता है, इथोक्सीथेन। अब इसमें प्रोटोन एक्स्ट्रा आ गया, तो आप इसको बोल सकते हो प्रोटोनेटेड इथोक्सीथेन, प्रोटोनेटेड इथोक्सीथेन आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेटा मैकेनिज्म की सेकंड स्टेप पूरी हुई, और अब हमें यहाँ पे इसका स्टेबल करना है, तो बड़ा आसान है। अब मैंने थर्ड स्टेप में क्या कर दिया, माइनस एच पॉजिटिव, मतलब जो ये एच है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे गया, ओ को दे गया, मतलब थर्ड स्टेप में हमने कर दिया डी प्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप में क्या किया, डी प्रोटोनेशन। आप सबको पता है मीनिंग क्या है डी प्रोटोनेशन का, रिमूवल ऑफ प्रोटोन, रिमूवल ऑफ प्रोटोन। तो यहां से प्रोटोन का रिमूवल होगा, ये H प्लस यहां से निकल जाएगा, तो क्या बच गया, देखो CH3 CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड O, O के आगे फिर से क्या जुड़ रहा है, CH2 CH3। इथर प्रिपेयर हो गया, डाई इथाइल इथर, यहाँ पे क्या बना बेटा, डाई इथाइल इथर, प्लस में क्या निकल गया, H पॉजिटिव आयन। कैटलिस्ट जैसे खुद को स्टार्टिंग में जोड़ते हैं वैसे ही एंडिंग में बाहर निकल जाते हैं। स्टार्टिंग में ये H प्लस बन के अंदर आया था और लास्ट में ये H प्लस आयन बन के बाहर चला गया, और हमारा काम पूरा हुआ, अल्कोहल से हमने प्रिपरेशन कर ली किसकी, ईथर की। तो बेटा ये मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है, आपको ये भी करना है, ठीक है। तो तीन स्टेप यहाँ पे हुई, पहले स्टेप में किसकी फॉर्मेशन हुई, प्रोटोनेटेड एल्कोहल की, सेकेंड स्टेप में प्रिपरेशन होती है प्रोटोनेटेड ईथर की, और थर्ड स्टेप में डी प्रोटोनेशन होके सिर्फ क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है, ठीक है। और बेटा एक बात और, जो ये आपका बड़ा है ना प्रोटोनेटेड इथोक्सीथेन, इसको ओक्सोनियम आयन भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड ओक्सोनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पे ओक्सोनियम आयन भी आपका प्रिपेयर हुआ, तो भी इसको आप नोट डाउन कर ले बेटा, ये आपका मैकेनिज्म हुआ ईथर की प्रिपरेशन का। चलिए इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा, हो गया होगा ये आप लोगों का। तो ये हमारा प्रिपरेशन का पहला मेथड हुआ बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब इसके बाद हम सेकंड मेथड करेंगे, देखिए बेटा ध्यान से, अब इसके बाद कुछ कंडीशंस है कि ईथर की प्रिपरेशन किस कंडीशंस में होती है, वो हमें डिस्कस करना है। तो ईथर की पहली कंडीशन है बेटा प्रिपेयर करने की, जो अभी हमने प्रिपेयर किया था ना ईथर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा के, इसकी भी कुछ कंडीशन है स्पेसिफिक। तो उसमें पहली कंडीशन आपकी है लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल इज यूज। हम बेटा यहाँ पे काफी लार्ज अमाउंट में एल्कोहल का यूज करते हैं,
ठीक है। सेकंड पॉइंट, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मस्ट बी अनहिंडर्ड, एल्काइल ग्रुप मस्ट बी अनहिंडर्ड, इसका मीनिंग है स्टीरिक हिंड्रेंस एल्काइल ग्रुप पे कम से कम होनी चाहिए। जो स्टीरिक हिंड्रेंस, आपको पता है ना स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कि कोई भी एक फंक्शन ग्रुप है वो बड़े बड़े कार्बन एटम से आर ग्रुप से घिरा हो, जितने बड़े एटम से घिरा होगा उतनी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे आप कोशिश करें एल्कोहल ऐसी ले जिसपे स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम हो, तो एल्काइल ग्रुप मस्ट बी अनहिंडर्ड, ठीक है। और बेटा एक और बात, जो ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हमने किया और हमने एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से यहाँ पर ईथर की प्रिपरेशन की, तो मेनली यहाँ पर जो एल्कोहल ली जाती है वो प्राइमरी ली जाती है। किस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं हम, तो मेनली प्राइमरी ही एल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन करते हैं, ना कि सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल का। क्योंकि पता है आपको जो सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल होती है उसमें बेटा आर ग्रुप क्या होता है, बढ़ जाते हैं, आर ग्रुप बढ़ जाते हैं और उनमें फिर आपका एल्कीन की प्रिपरेशन हो जाती है, ना कि ईथर की प्रिपरेशन होती है। तो ये बात आप ध्यान रखें, अगर आपको ईथर प्रिपेयर करना है, अगर आपको एल्कोहल से ईथर की प्रिपरेशन करनी है, तो प्राइमरी एल्कोहल जो है वो ही एल्कोहल से ईथर की प्रिपरेशन करती है, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल तो जो है वो एल्कीन की फॉर्मेशन करती है। तो आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो लाइन करना है। तो भाई तीनों में मोस्ट रिएक्टिव कौन सी एल्कोहल हुई, प्राइमरी हुई, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो आप लोगों को याद रखनी है बेटा। तो एल्कोहल आप लोग कोशिश करें कि प्राइमरी ही ले, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल लेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके साथ बेटा एक रिएक्शन और है, अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं एल्यूमिना, तो वहां पर भी ईथर की प्रिपरेशन हो सकती है। मान लीजिए ये कंडीशन आई CH3CH2OH और मैंने कैटलिस्ट ले लिया एल्यूमिना Al2O3 एट 535 केल्विन, ठीक है। तो जो ये आपका एल्यूमिना है Al2O3, ये भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एल्यूमिना इज ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, इसके अपने आप 2 moles यहाँ पे हो जाएंगे, तो एक का H और एक का OH निकल जाएगा और यहाँ किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ईथर की, C2H5O C2H5 प्लस में क्या निकल गया H2O। तो जो ये कंपाउंड बना इसका नाम हुआ डाई इथाइल ईथर, ठीक है बेटा। तो ये आपके दो यहाँ पे मेथड हुआ, पहला कि बेटा ईथर टॉपिक से ना एक ही क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन इसी तरीके का आता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर का या विलियमसन सिंथेसिस से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है, आपको इन सारी कंडीशंस को ध्यान रखना है, तभी आपका जो एल्कोहल है वो ईथर में कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि जो ईथर में कन्वर्जन की रिएक्शन आप कर रहे हैं यहाँ पे, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये भी आप लोग लिख लें, SN2 रिएक्शन है ये। अभी जो हमने मेथड किया है एल्कोहल से ईथर की प्रिपरेशन की है, इट इज फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ना कि SN1। तभी तो यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव एल्कोहल कौन सी है, प्राइमरी। आपको पता है ना SN1 में तो कौन होता है, मोस्ट रिएक्टिव टर्शरी, लेकिन यहाँ मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है, SN2, इसीलिए यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव कौन सी एल्कोहल होगी, प्राइमरी एल्कोहल होगी, ठीक है। तो ये बेटा आपका पहला मेथड हुआ ईथर को प्रिपेयर करने का। अब इसके बाद हम सेकंड मेथड करेंगे, वो भी आपका काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, और सेकंड मेथड हमारा यहाँ पे है विलियमसन सिंथेसिस। तो करते हैं आगे बेटा, कोई डाउट हो तो बता देना बेटा, मैंने म्यूट कर रखा है सभी को आज, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज रेज योर हैंड। देखिए बेटा सेकंड मेथड ईथर को प्रिपेयर करने का, विलियमसन सिंथेसिस।
तो इससे भी बेटा हम ईथर की प्रिपरेशन करते हैं विलियमसन सिंथेसिस से भी। अब कैसे करते हैं वो आप लोग देखिए, ये रिएक्शन पहले भी हो चुकी है। आर एक्स का मीनिंग क्या है, एल्काइल हैलाइड प्लस हमने ले लिया NaOR, NaOR का नाम क्या बना, सोडियम एल्कोक्साइड। बेटा NaOR से क्या बना, सोडियम एल्कोक्साइड बना, और RX आपका होता है एल्काइल हैलाइड। तो ये रिएक्शन हमने कई बार कर रखी है, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा फाइनली, बड़ा आसान है। ये Na और ये X साइड में क्या चला गया, NaX प्लस में क्या बच गया, इधर बचा R और यहाँ पे है O। R OR का मीनिंग क्या प्रिपेयर हो गया, ईथर। ठीक है, वो R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ईथर की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई, प्लस में NaX निकल गया, लेकिन मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है SN2। मैकेनिज्म बेटा यहाँ भी कौन सा फॉलो होता है, SN2 फॉलो होता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। तो पहला एग्जांपल मान लो मैंने ये लिया CH3ONa प्लस C2H5Br। ये आपको पता है CH3ONa का नाम क्या होगा, सोडियम मिथाइल प्लस ऑक्साइड क्या हो गया, मिथोक्साइड। तो ये सोडियम मिथोक्साइड है प्लस C2H5Br, इसका प्रोडक्ट आप लोग खुद लिखे बेटा क्या प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ये लिया हमने, इसका नाम बताइए, ये सोडियम है, ये फिनाइल और ये ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड। ये कंपाउंड बेटा क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड बना, प्लस हमने फिर से यही ले लिया मान लो C2H5Br। तो आप बताइए इन दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बड़ा आसान सा है दोनों में ही बेटा, क्या होगा, ये आपको पता है CH3ONa कैसे टूटेगा, CH3O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल पार्ट है, और ये कैसे टूटेगा, C2H5 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, तो ये Na और ये Br, आप सबने आंसर लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, ये बन गया NaBr, प्लस में क्या बच गया बोलो, मेन प्रोडक्ट क्या बचा, CH3O C2H5। तो ये आपका ईथर यहाँ पे प्रिपेयर हुआ, प्लस में निकल गया NaBr। अब जो ये ईथर बना है इसका कॉमन नेम तो पता है आपको, इधर है इथाइल, यहाँ है मिथाइल, तो कॉमन नेम तो इसका हुआ इथाइल मिथाइल ईथर। और अगर इसकी IUPAC नेम की बात करूं तो इस तरफ पर लंबी चेन है कार्बन की, तो दो कार्बन तो इथेन कहलाएगा, अब यहाँ पर छोटा R ग्रुप है तो इसको मिथोक्सी बोलेंगे, तो इसका नाम क्या बना, मिथोक्सी, नंबरिंग दो कार्बन की हुई तो इथेन। ठीक है, और सेकंड में क्या बनेगा बेटा, फिर आपको पता है O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, क्योंकि लार्ज डिफरेंस है इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड सोडियम, तो फिर से ये Br और ये Na क्या निकल गया, NaBr, तो क्या बच गया बेटा, ये बेंजीन, इस पर ये O, और O के पास क्या आ गया, C2H5, O के पास क्या आ गया, C2H5। अब इसके कॉमन और IUPAC नेम क्या होंगे आप लोग कर लेंगे, कॉमन नेम क्या है बेटा इसका, ये है इथाइल और ये है फिनाइल, तो कॉमन नेम तो इसका है इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, इट इज द कॉमन नेम इथाइल फिनाइल ईथर। और अब अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो वो क्या होगा बेटा, आपको पता है यहाँ है बेंजीन, यहाँ है C2H5, तो मेन तो बेंजीन होगा, तो ये इथाइल प्लस में ये O, ऑक्सी, तो इसका IUPAC नेम होगा इथोक्सी बेंजीन, इथोक्सी बेंजीन। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हुई विलियमसन सिंथेसिस। अब इसमें बेटा आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आगे भी यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि एल्काइल हैलाइड कैसा हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, और जो साथ में हम ये सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं ये हमारा कैसा हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो। ठीक है, तो ये सब बेटा बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने आपके R ग्रुप है, किस तरह